गाइस, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्केचिंग इंसान। तो आज ये शेडिंग ट्यूटोरियल का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम शेड करेंगे स्किन को, जो कि है बॉडी नोरा फतेह मैम की। आज हम इतना पोर्शन HB पेंसिल से शेड करके थोड़ी बहुत शेडिंग भी करेंगे। और ये मैंने हेयर्स ड्रॉ किए हैं, ताकि ड्रॉ करने से फीलिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने एक इधर का पोर्शन छोड़ दिया है, शेड कर दिया है, हेयर्स ड्रॉ कर लिए। तो देखो मैंने कैसे पतले पतले स्ट्रोक्स ड्रॉ किए हैं। तो देखो मैं अभी एक स्किन को कैसे शेड करता हूँ। तो अभी ऐसे स्किन को शेड करना, तो चलो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो टूल्स पे आ जाते हैं HB पेंसिल से शेड करने के लिए। तो 2B पेंसिल लूँगा, आर्टलाइन ब्रांड की। HB नहीं है फिलहाल मेरे पास, तो मैं 2B ले रहा हूँ। वे भी HB से काम करती है। और ब्लेंडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ क्लोथ ले रहा हूँ एक। तो आप भी ये ले सकते हैं, तो कॉटन मेकअप ब्रश आप ये भी ले सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूँ ये, नहीं तो कॉटन ही ले। तो चलो शेड करते। तो अभी मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, तो आपको उतना समझ में आएगा, क्योंकि बेस लेयर ही दे। तो बेस लेयर देखिए हो गया। तो अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, जो मैंने छोटा सा पीस लिया था कपड़े का, उससे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो अभी हमारा शेड करके हो गया है, बेस लेयर देखिए हो गया है। तो अभी हम इसे एकदम परफेक्ट शेड करेंगे, ऐसे स्किन जैसा टेक्सचर लाने के लिए तो हम शेड करते। तो बेस लेयर देखिए हो गया है 2B पेंसिल से और इससे, तो चलो अभी शेड करते। तो ये कुछ मैं टूल्स यूज करने वाला हूँ इस पार्ट को शेड करने के लिए। तो देखो ये कुछ टूल्स है, बेसिक से टूल्स है जो कि घर में होते ही है। तो और ये आर्टलाइन पेंसिल्स लोकल मार्केट में तो इजीली मिल जाती है, तो बस इतने ही हम इक्विपमेंट्स लेंगे शेड करने के लिए। तो चलो शेड करते। तो फर्स्ट मैं 4B पेंसिल ले रहा हूँ शेड करने के लिए इस पोर्शन को। तो देखो मैं कैसे शेड कर रहा हूँ, तो आप ऐसे शेड करना। तो अभी मैं स्मूथ मेकअप ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। पर मेकअप ब्रश से इतनी अच्छी ब्लेंडिंग नहीं हो पा रही है, तो मैं एक वो कपड़े का छोटा पीस लिया था, उससे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ।
तो अभी मैं एडबी पेंसिल ले रहा हूँ इस शेडिंग को थोड़ा डार्क करने के लिए। तो देखो तो अगर आपकी एक साइड ख़राब हो तो इस पीस को ऐसे फोल्ड करके बाद में ब्लेंडिंग करो। तो अभी मैं 10B पेंसिल ले रहा हूँ इन दो पोर्शंस को डार्क करने के लिए जो कि रेफरेंस इमेज में डार्क है। तो फिर से अभी मैं क्लॉथ का पीस ले रहा हूँ और अभी इससे ही ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ये कुछ है फाइनल रिजल्ट आज के इस पार्ट का। तो देखो कैसे मैंने शेड किया, आप भी ऐसे ही शेड करना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और सबसे इम्पोर्टेंट वॉच द फुल वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय।